हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्पिता पिटबुल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, यदि जर्मन शेफर्ड डॉग वर्सेस साइबेरियन के डॉग की फाइट हो जाए तो कौन सा डॉग विन करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए कुछ पॉइंट सेलेक्ट किए हैं जिनके आधार पर ओवरऑल विनर निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेट। जर्मन शेफर्ड डॉग का वेट 30 केजी से 45 केजी के आसपास होता है, जबकि हस्की डॉग का वेट 35 केजी से 45 केजी के आसपास होता है। तो वेट के मुकाबले में तो दोनों डॉग ही इक्वल हैं, तो इस पॉइंट में दोनों डॉग टाई रहे। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाइट। जर्मन शेफर्ड डॉग की हाइट 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि साइबेरियन हस्की डॉग की हाइट 54 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक होती है। इस पॉइंट में जर्मन शेफर्ड डॉग साइबेरियन हस्की डॉग से आगे निकल गया, क्योंकि फाइट के अंदर हाइट का भी मेन रोल होता है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बाइट फोर्स। जर्मन शेफर्ड डॉग का बाइट फोर्स 270 पाउंड है, जबकि साइबेरियन हस्की डॉग का बाइट फोर्स 320 पाउंड है। तो इस पॉइंट में साइबेरियन हस्की डॉग जर्मन शेफर्ड डॉग से आगे निकल गया। बाइट फोर्स यानी कि दोनों डॉग्स में से कौन सा डॉग ज़्यादा पावर के साथ दूसरे डॉग पर अटैक करता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निक। जर्मन शेफर्ड डॉग एक मीडियम टेक्निक का डॉग है, वह अपने दुश्मन पर फुल स्पीड से अटैक करता है और उसे दबोच कर गिरा लेता है, जबकि साइबेरियन हस्की एक फ्रेंडली डॉग है, वह स्ट्रेंजर से भी मिलजुल कर रहता है, तो उसके लिए तो अटैक की कोई बात ही नहीं। उसका टेक्निक लेवल तो लो ही होगा, क्योंकि वह कभी किसी पर अटैक जल्दी ही करता नहीं, लेकिन अपने ओनर की सिक्योरिटी के लिए साइबेरियन हस्की सामने वाले स्ट्रेंजर या डॉग पर टूट पड़ता है और उसे घायल कर देता है। बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अग्रेसिव, यानी कि कौन सा डॉग दूसरे डॉग को देखकर ज़्यादा अग्रेसिव या फिर गुस्से में आ जाता है। तो बात करें जर्मन शेफर्ड डॉग की, तो जर्मन शेफर्ड डॉग का अग्रेसिव लेवल हाई है, क्योंकि जर्मन शेफर्ड डॉग दूसरे डॉग को देखकर चिढ़ जाता है, बस उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बात करें साइबेरियन हस्की, तो साइबेरियन हस्की डॉग का अग्रेसिव लेवल मीडियम है। साइबेरियन हस्की डॉग ज़्यादातर दूसरे डॉग को देखकर खुश होते हैं, उनके साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ केस में जब साइबेरियन हस्की डॉग भी दूसरे डॉग को देखकर अटैक की कोशिश करते हैं। इसमें 50-50 चांस हैं, इसलिए इसे मीडियम अग्रेसिव डॉग माना जाता है। बात करें रिजल्ट की, तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो बात करें रिजल्ट की, तो फ्रेंड्स, रिजल्ट के से पहले बता दूं कि जर्मन शेफर्ड डॉग और साइबेरियन हस्की डॉग दोनों ही वेट में इक्वल रहे थे, जबकि हाइट में जर्मन शेफर्ड डॉग विन कर गया था और बाइट फोर्स में साइबेरियन हस्की डॉग विन कर गया। बात करें टेक्निक की, तो टेक्निक में जर्मन शेफर्ड डॉग विन कर गया और अग्रेसिव लेवल में भी जर्मन शेफर्ड डॉग विन कर गया। तो बात करें रेसो की, तो रेसो में जर्मन शेफर्ड डॉग के जीतने के चांसेस 70% होंगे, जबकि साइबेरियन हस्की डॉग के जीतने के चांसेस 30% होंगे। ये कोई श्योर परसेंटेज नहीं, ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों डॉग में से कौन से डॉग की एज या फिर अग्रेसिव लेवल ज़्यादा है। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं कभी भी डॉग फाइट की वीडियो को प्रमोट नहीं करता, ये वीडियो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, तो एंजॉय करें।